बेसिकली दादा जी के ऊपर ही पूरा है। आपने गाना भी गाया है उनके साथ, आई वॉज लिसनिंग टू इट, लेकिन टेलीफोन पे मैंने बोला पूछा नहीं क्योंकि उस दिन हम लोग बहुत ही मायूस थे। तो आपका थोड़ा सा लता जी को मैं इस दुनिया की सिंगर मानता ही नहीं हूँ, वो तो माँ सरस्वती का अवतार थी, वहां से आई थी और हम लोग को बता गई गाना कैसे गाया जाता है। 100% गाना किसको कहते हैं उन्होंने हमको सिखा दिया, परफेक्शन किसको कहते हैं उनको सिखा दिया, लेकिन हम लोग सीख नहीं पाए। आज भी एक एक दो दो लाइन जो है डब करते हैं गाना अच्छा बन पाता है। उन्होंने तो ना जाने क्या क्या गा दिया पूरा एक टाइम में, पूरा एक साथ, और वो भी 100% उनका गाना ऐसा था कि उसमें कोई कह नहीं सकता कि इसमें थोड़ा इधर उधर कुछ हो सकता है क्या, कुछ नहीं हो सकता। जो गाया है बस वैसे ही हो सकता है। म्यूजिक डायरेक्टर उनको कह देते हैं दीदी आपको तो हमारा गाना हमने जो सोचा था उससे अच्छा बना दिया, कई गुना अच्छा बना दिया। हम लोग बड़े किस्मत वाले हैं कि हमने उनको देखा है, उनके साथ काम किया है, उनके साथ खाना खाया है, देश विदेश में उनके साथ प्रोग्राम किया है। तो ये सब चीज़ें भाग्य से प्राप्त होती हैं। तो मैं तो माँ सरस्वती से उनसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि फिर आइए, अवतार लीजिए और हम लोगों को फिर से मिल के। मैं जा रहा था तो मुझे दक्षिण कान का नरेंद्र रोक लिया कि ये भी बचाओ आप मिलते ही नहीं हो, तो एक चाय पी के जाइएगा। तो मैं बैठ गया वहाँ, फिर लता जी का गाना हो गया, वो चली गई, फिर हमने चाय पी लक्ष्मीकांत जी के साथ, करारा जी के साथ। फिर वो मुझे कहने लगे कि इसमें दो लाइन है इस गाने में गा दो, कैसे गा देंगे, तो हमने वो गा दिया। 16 बरस की बारी उम्र को सलाम को गाना सुपर हिट हुआ, तो वो लाइन बहुत अच्छी लगती है जो मैंने पहले गाई। तो इस तरह से शुरुआत हो गई। फिर लक्ष्मीकांत बरा जी ने कई बार बनाया, काफ़ी गाने मुझे गाए। इसी तरह आर टी बर्मन जी ने बनाया, एक क्लासिकल गाना है वो आप ही गाइए लता जी के साथ, वो भी मैंने गाया। वो फिल्म थी प्रोफेसर थी प्रोड्यूसर, यूँ सिलसिला चला। हमसे तो फ़ोन पे 3 महीना पहले लास्ट बात की थी फोन पे, और 2 जनवरी को उनका लास्ट व्हाट्सएप आया था। व्हाट्सएप मुझे रोज भेजती थी एक कोई ना कोई अपना गाना भेजती थी, या कोई हमारी उनकी कोई पुरानी पिक्चर कहीं नज़र आ जाए तो वो भेज देती थी। अब हमेशा वो संपर्क में रहती थी, ये उनकी खूबी थी। वो आज में हमारे साथ हैं, दूर नहीं गई। क्रिकेट का तो उनको इतना प्यार था कि उन्होंने जो लंदन में घर लिया था वो लॉर्ड्स ग्राउंड के सामने लिया था कि बालकनी से बैठ के ही वो क्रिकेट देखती थी। मैंने भी उनके साथ वहाँ बैठ के क्रिकेट देखा था और वहाँ उनके साथ खाना भी खाया था, वो भी हम भूल नहीं सकते। तो ये उनका क्रिकेट प्रेम था। अगर टेस्ट मैच बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है तो रिकॉर्डिंग छोड़ देती थी कि भाई मैं आज नहीं आऊँगी, मैं फिर करूँगी रिकॉर्डिंग। क्रिकेट का बहुत मजा आया। ये आपकी जिंदगी के साथ कैसे घुल मिल है वो क्या कहें हम तो ऐसे क्या कहें हम तो ऐसे युग में पैदा हुए जब सिर्फ रेडियो होता था एंटरटेनमेंट के लिए, और बाद में टेलीविजन आया तो जब भी रेडियो ऑन करते थे तो एक बड़ी मधुर आवाज़ कानों में पड़ती थी, और वो थी लता जी की आवाज़। उनकी आवाज़ सुन के ही मैं गाने की तरफ आकर्षित हुई। वैसे मेरे फैमिली में कोई म्यूज़िक में नहीं है, तो जिनकी आवाज़ के द्वारा, जिनकी आवाज़ से प्रभावित होके मैं इस फील्ड में आई। मैं भी सोचती थी कि किसी दिन मेरा भी नाम रेडियो में आए, क्योंकि रेडियो में अनाउंसमेंट होता था कि जो गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में था। तो बस इन्हीं दिग्गजों की आवाज़ें सुनकर हम इस फील्ड में आ गए। बिलीव नहीं करेंगे कि हम जिस भी कंट्री में जाते हैं, इंडिया में तो ऑफकोर्स, लेकिन जब भी हम अब्रॉड ट्रैवल करते हैं कॉन्सर्ट्स के लिए, सब लोग पुराने गाने पसंद करते हैं। लता जी हों, आशा जी हों, रफ़ी साहब हों, यहाँ तक कि हमारे जितने हमारे युग के अब जो इन
अलग सिंगर्स हैं उनके भी, जब वो खुद के गाने तो गाते ही हैं उनके भी गाने पॉपुलर हैं, देखिए संगीत का कोई सीमा नहीं है, कोई उसको कोई समय की भी कोई बाउंड्री नहीं है, तो लेकिन फिर भी हर एक जो प्लेबैक सिंगर है वो एक सेगमेंट रेट्रो म्यूजिक को ज़रूर डेडिकेट करता है। प्यार वो जफा करे मैं वफा करूं जो वफा भी का